राम राम भाइयो। लक्ष्मी ने कौन नहीं जानता, लक्ष्मी रूप वीर का हो सबला घर भरवाना चाहिए। रिया कसरती फूल सिंह की ब्याह करवाना चाहिए। जिसके द्वारा लक्ष्मी है माल है चाहे किसी बात में भी हो। इब लक्ष्मी के चर्चे हरियाणा पंजाब राजस्थान तीनों स्टेटों में चले हुए हैं। तो आइए, लक्ष्मी का ही बेटा भरोना जिसकी कीमत लक्ष्मी की 25 लाख हरियाणा से आंध्रा तक, और अब उसी का बेटा ये धरोना आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छा बढ़िया और अच्छी क्वालिटी का ये जो बुल है आपको दिखाई दे रहा। हम आपकी विजेंद्र भाई से बात कराना चाहता हूँ, जो वर्कर है यहाँ के, बहुत ही अच्छे ईमानदार और बढ़िया वर्कर है। मैं विजेंद्र भाई से पूछना चाहता हूँ, तो विजेंद्र भाई कौन सा बुल है ये? धरोना बुल है। किसका बेटा है? लक्ष्मी का। लक्ष्मी का बेटा है। इसकी मम्मी ने यहाँ कितना दूध दिया है? यहाँ पे 28 लीटर दिया है। 28 लीटर दूध इसकी मम्मी ने यहाँ पे दिया है। और मैं पूछना चाहता हूँ, ये कितने साल का हो गया? ये हाँ ऊँचा बोलो तो इसका अभी तो 5 या 6 साल 7 साल हो गया। 7 साल का हो गया। जो इसका बेटा या बेटी आता है वो दिखने में पहले ही महीने में कितना बड़ा होता है? पहले महीने में जैसा लक्ष्मी का अभी जिस साइज है उसी साइज उसका आता बेटी भी आता है। बेटी भी आता है। तो मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ आपसे कि इसका कोई बेटी ब्याही है? हाँ ब्याही है। ब्याही है। हाँ। कितना दूध दिया उसने पहले ब्यास में? पहले में 24 लीटर दिया। 24 लीटर यानी के दोस्तों 24 लीटर दूध दिया है धरोना की बेटी ने दूध। क्या बात है, काबिले तारीफ, गॉड ब्लेस यू। तो मैं राजीव सरपंच से कहना चाहता हूँ कि आपने जो ये मुहिम पाली हुई है बहुत ही अच्छी पाली हुई है, और ये आप मतलब जोटे को भी देख लीजिए, काफ़ी अच्छा और बढ़िया। और 7 साल का ये जोटा हो चुका है। इसकी जो पहले ब्यांत की जोटी है उसने 24 लीटर दूध दिया है पहले ही ब्यांत में। तो आप देख लीजिए काफ़ी अच्छी लेंथ हाइट और चलने का जो तरीका है बखूबी आप लोग देख लीजिए। ऐसा लग रहा है, थोड़ा नाड़ को ऊपर उठा लीजिए भाई साहब। हाँ ऐसे 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 ऐसे। हाँ लेके आओ। क्या बात है, ये विजेंद्र भाई बिल्कुल इतना अच्छा बर्ताव करते हैं ये पशुओं के साथ में। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ राजीव सरपंच साहब को, और टेस्टिकल भी आप लोग देख लीजिए काफ़ी अच्छा और एक बढ़िया क्वालिटी का। वापसी में लेके आओ भैया एक बार और देख लीजिए। दोस्तों आपका अपना YouTube चैनल बिंटू सिंदड़ आज लेकर के आए हैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो, और ऐसी वीडियो आप लोगों को दिखाते रहेंगे। चैनल के साथ में जुड़ जाइए। ABC सीमन बैंक वीरावली काफ़ी बेहतरीन, जिसके चर्चे पूरे भारत के अंदर अच्छे चले हुए हैं ABC सीमन बैंक के, और काफ़ी अच्छा रख रखाव है यहाँ पर। जोटों का जो रख रखाव हो वो भी आप लोगों को दिखाया जाएगा, बहुत ही सुंदर। मैं कहना चाहता हूँ कि स्वर्ग, एक स्वर्ग की भांति यहाँ पर पशुओं को रखा जाता है। खाने का पीने का रहने का बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है। भैया मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ विजेंद्र, ये जो बुल है इनको क्या खिलाते हो आप? इसको दाना खिलाते हैं। दाना खिलाते हो, दाने में जैसे चना? चना हुआ। हाँ मक्का? मक्का हुआ, जनेरा हुआ, अजमेरा हुआ, सोयाबीन हुआ, सोयाबीन केक हुआ, केक हुआ। तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें खिला रहे हैं इनको। सरसों का तेल भी पिलाते हो थोड़ा बहुत? नहीं, सरसों का तेल लगाते हैं इसको। लगाते हैं नहलाने के बाद। और एक बार ये बता दीजिए कितना टाइम नहलाते हो इसको? नहलाते हैं एक बार दिन में 3 टाइम नहलाते हैं। और वॉकिंग कितना टाइम करवाते हो इसको? वॉकिंग 45 मिनट यानी के 45 मिनट। हाँ 45 मिनट इनकी वॉकिंग कराई जाती है दोस्तों, इनको हंडाया जाता है ताकि जो खाने का है वो अच्छी तरह से पच सके। तो बिल्कुल लीजेंड। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।
थैंक यू।